तो चलिए शुरू करते हैं टैली की पहली क्लास जो प्रैक्टिकल है। इससे पहले हमने थ्योरी पढ़ी और कुछ जनरल एंट्रीज की थी, तो आज जो हम करने वाले हैं दैट इज नोन एज प्रैक्टिकल इन टैली। इसमें हम जनरल एंट्रीज भी करेंगे और कुछ लेजर्स वगैरह भी बनाएंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके लिए हमें टैली को ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं टैली को ओपन कर देता हूँ, तो अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने R प्लस W प्रेस किया। R प्लस W से हम किस मोड में आ गए? एजुकेशन मोड में, एजुकेशनल मोड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले एक कंपनी बनाएंगे। तो कंपनी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जरा मुझे बताओ। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें Alt प्लस F3 प्रेस करना होता है। तो यहाँ पे हम कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं। अगर आप ये फिर से देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी मिलेगा कंपनी इन्फो। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हो, इन्फो के अंदर आ जाते हो। तो यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन, शॉर्ट कंपनी एंड क्रिएट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी का मतलब होता है कि अगर आपने ऑलरेडी कंपनी बनाई हुई होगी और उसको आप ओपन करना चाहते हो तो देन यू विल क्लिक ऑन सिलेक्ट कंपनी। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी कंपनीज होंगी वो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके उसको जो है ओपन कर सकते हो। तो आप अगर आपको कोई ये वाली कंपनी बंद करनी है जो अभी ओपन है, डेमो कंपनी, तो आप शॉर्ट कंपनी पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे डेमो कंपनी है तो इसको सिलेक्ट करोगे तो ये कंपनी जो है बंद हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन एंड लॉग इन एज रिमोट यूजर। लॉग इन एज रिमोट यूजर का मतलब होता है कि अगर आपकी किसी दूसरी जगह पे या दूसरे सिस्टम में आपके पास टैली इंस्टॉल है और अब आप वही आईडी के साथ यहाँ पे लॉग इन करना चाहते हो तो देन यू कैन यूज दिस वन। अब हमें कंपनी बनानी है तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है। तो इसके लिए शॉर्टकट जो है दैट इज सी। तो अब हम ये सी प्रेस कर देते हैं और हम इस वाले जो है कंपनी क्रिएशन वाले सेक्शन में आ चुके हैं। तो कंपनी क्रिएशन, और यहाँ पे मैंने पर्सनली बोला था कि दिस इज कॉल्ड डायरेक्टरी। ऊपर जो आपको यहाँ पे डायरेक्टरी मिल रही है ये वो डायरेक्टरी है जहाँ पे आपकी जो है कंपनी सेव हो जाती है। तो यहाँ पे उसके बाद आता है नेम, नेम ऑफ द कंपनी। यहाँ पे नेम का मतलब होता है कंपनी का नाम। जो भी आपकी कंपनी का नाम होगा वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। जैसे कि मेरी कंपनी का नाम मैं यहाँ पे माई कंपनी रखूंगा, My Company, COMPANY। तो यहाँ पे मैंने इसका My Company नाम रख दिया। उसके बाद आते हैं प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स। जो मेलिंग डिटेल्स होती है वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद मेलिंग नेम जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे सेट करोगे। अगर आपका यही वाला है, My Company वाला ही है, तो देन व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पे जो है एंटर करोगे और यहाँ पे आ जाओगे। और यहाँ पे इसके साथ .pvt/ltd भी लगा सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। जो भी आप रखना चाहते हो आप यहाँ पे रख सकते हो। देन हियर कम्स द एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है एड्रेस ऑफ द कंपनी, जहाँ पे कंपनी है। तो इस वक्त हम शोपियान ही देंगे, जैसे कि हमारी कंपनी जो है शोपियान में ही है, तो यहाँ पे हम शोपियान देंगे। उसके बाद अगर आप इसका स्टेट भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पे JNK भी दे सकते हो। तो उसके बाद अगर आप कंट्री भी देना चाहते हो तो यहाँ पे कंट्री भी दे सकते हो, या इसके अलावा जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप दे सकते हो, और स्किप भी कर सकते हो बाय प्रेसिंग एंटर की। उसके बाद यहाँ पे आता है कंट्री का ऑप्शन, यानी जो आपकी कंट्री है वो आप सिलेक्ट कर लोगे। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आप वही कंट्री सिलेक्ट करोगे जहाँ के आप हो और जहाँ की आपकी कंपनी है। तो यहाँ पे मैं इंडिया ही कर देता हूँ बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कि आप किस स्टेट में काम करते हो। तो यहाँ पे मैंने जम्मू एंड कश्मीर में सिलेक्ट किया क्योंकि वी आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे पिन कोड देना पड़ता है, तो ये आप स्टेट का भी दे सकते हो और अपने डिस्ट्रिक्ट का भी दे सकते हो। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का है 192303, तो यहाँ पे मैंने ये दिया। उसके बाद यहाँ पे आता है फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड फैक्स। जो भी आपकी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, ये फ़ोन नंबर एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये आ गया कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद जो है फैक्स, जो भी आपकी फैक्स आईडी होगी वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड ये क्या बोलते हैं अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद ईमेल, जो भी आपकी मेल होगी वो आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे कि hitech@gmail.com, तो ये आप लिख सकते हो। देन वी हैव वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो ये हमारी वेबसाइट है। उसके बाद आप एंटर करोगे और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, आपका ईयर कहाँ से बिगिनिंग होता है फाइनेंशियल ईयर। तो JNK या हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो है अप्रैल, 1st अप्रैल को स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 1st अप्रैल 2022 है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यू कैन चेंज इट,
जो भी आप डेट लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, इसका मतलब होता है कि आपकी आपका आपके जो लेजर्स है या जो भी आप इसमें वाउचर्स बनाओगे वो कहाँ से शुरू होने चाहिए, तो वो आप यहाँ पे सेट कर दोगे। तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट इसको रहने देता हूँ यही जो अभी है। इसके बाद आता है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर आप अपनी कंपनी में पासवर्ड रखना चाहते हो देन यू कैन राइट डाउन हियर द पासवर्ड। If you want to open it again, you have to enter that password. For example, if I set here password 123456 and add the data. तो जैसे मैंने ये password लिखा, अब ये बता रहा है password string that is 2 week. Password जो मैं दे रहा हूँ that is 12345, then 12345 and then A. अब इसकी string अच्छी होगी. देन यहाँ पे मैं फिर से दे रहा हूँ 12345, उसके बाद 12345 एंड देन ए। अब दोनों आ गए एंड देन आई विल प्रेस एंटर टू यूज सिक्योरिटी कंट्रोल। यहाँ पे आप येस कर दोगे उस टाइम पे। तो जैसे आपने येस किया तो उसके बाद जो एनेबल सिक्योरिटी टू अवेल TSS फीचर्स, तो यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह वो भी मेंशन करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे दोगे। जैसे कि नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे मैं हाई टेक लिखूंगा एंड देन यहाँ पे पासवर्ड जो है, पासवर्ड आप दूसरा पासवर्ड भी रख सकते हो, जैसे 12345 मैंने यहाँ पे, चलो वही वाला रखते हैं जो हमने अभी रखा था 12345 एंड देन 12345 एंड देन ए। उसके बाद फिर से आपको ये रिपीट करना पड़ेगा 12345 12345, फॉरगेट योर पासवर्ड रिकॉर्ड, ओके प्रेस नहीं की। तो यहाँ पे एंटर किया, उसके बाद यहाँ पे आप ये वाली चीज़ें सेट करोगे जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ। दिस इज द बेस करेंसी सिंबल हमारी रुपी है। उसके बाद INR का मतलब होता है इंडिया रुपी। देन यहाँ पे सुफिक्स आप अगर रखना चाहते हो, ये सिंबल आपकी पहले ही आनी चाहिए, इस बाद में आनी चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर दोगे। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अगर आप इसमें स्पेस ऐड करना चाहते हो, जो भी आपका अमाउंट आएगा और जो आपकी करेंसी की सिंबल होगी वो उन दोनों के दरमियान अगर आप स्पेस रखेंगे तो देन यस कर लो, अगर नहीं चाहते तो नो कर लो। देन शो अमाउंट इन मिलियंस, अगर आपको मिलियन में दिखाना है तो यहाँ पे यस कर दो, अगर नहीं तो नो। देन यू हैव टू एड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कितनी डेसिमल प्लेस आनी चाहिए। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 है तो आप 3 वगैरह भी कर सकते हो, यानी जो भी आपकी करेंसी है अगर आपको 10.25 लिखना है तो दैट मीन्स पॉइंट यहाँ पे 2 है तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, जैसे 10.5 या 10.25, वो जो 25 है वो क्या आएगा, तो वो आएगा पैसे, PAISE बोलो, पैसे बोलो या पैसा बोलो तो आपकी मर्जी। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, अगर आप वर्ड्स में लिखते हो, वर्ड्स का मतलब होता है कि इंग्लिश में लिखते हो, देन आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आप अगर आप 2 स्पेस लगाना चाहते हो या कुछ भी नहीं तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इसके बाद में कंट्रोल प्लस 1 करके प्रेस करके यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करते हो। तो यहाँ पे टैली का वैलिड पासवर्ड मांग रहा है मुझे, तो मैं दे रहा हूँ अपना पासवर्ड जो भी मैंने रखा था 12345 12345 एंड ए। उसके बाद मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप उसके बाद बता रहा है कि नेम ऑफ यूज़र, यूज़र का नाम क्या है, तो मैंने हाई टेक रखा था। उसके बाद एंटर करके यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ वही 12345 एंड देन 12345 एंड देन ए। उसके बाद मैं एंटर करूँगा तो ये मैं कंपनी के अंदर आ गया।